ये है दिव्या सिंह, एक मशहूर पत्रकार। ये टीवी के द्वारा खबरें हम सब तक पहुंचाती हैं। आज दिव्या एक ऐसे गांव में पहुंची हैं जहां के बहुत से लोग बाहर गल्फ में काम कर रहे हैं। आज भारी मात्रा में भारतीय विदेश जाकर बतौर कारपेंटर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, स्वास्थ्य के क्षेत्र और घरों में काम कर रहे हैं। आज हम एक ऐसे गांव में आए हैं जहां के बहुत से लोग ईसीआर पासपोर्ट पर विदेश जाकर नौकरी कर रहे हैं या नौकरी करने जा रहे हैं। हम ये जानने आए हैं कि इनकी क्या आशाएं हैं और क्या समस्याएं हैं, और क्या ये जानते हैं कि सरकार ने इनके लिए क्या क्या योजनाएं शुरू की हैं? आइए इनसे पूछते हैं। जी, मेरा नाम गोपाल है जी। मैं विदेश में बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी है ना, उसमें काम करता हूँ जी। अच्छा, बताइए इतने दिनों बाद आपको अपने परिवार और अपने दोस्तों से मिलके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी, जी तो करता है यहीं रुक जाए, पर काम करने के लिए जाना पड़ता है। तो क्या बाहर जाकर आप अपने और अपने परिवार के लिए कुछ पैसे जोड़ सके? मैडम जी, मेरा नाम संतोष है। जो पैसा हम विदेश से कमाते हैं उसमें से कुछ पैसा तो अपने ऊपर खर्च हो जाता है, बाकी पैसा हम गांव भेज देते हैं घर वालों और बच्चों की जरूरतों के लिए। ये पैसा कहाँ खर्च हो जाता है मैडम जी, हमें पता ही नहीं चलता। पैसा जोड़ना हम सब चाहते हैं, क्यों भाई? सही बात, लेकिन ये पैसा कहाँ खर्च हो जाता है, बैंक से कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। अच्छा संतोष, कभी आपने अपने भविष्य के बारे में सोचा है कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा आप वापस आ जाओगे, तब ना तो आपके पास नौकरी रहेगी ना पैसा, तो आप अपने परिवार की देखभाल कैसे कर पाओगे? और गोपाल, जब आप बूढ़े हो जाओगे, आपके हाथ पैर कम काम करने लगेंगे, तो आपकी देखभाल कौन करेगा? आप तो दूसरों पर बोझ बन जाओगे। मैडम जी, इस बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। पर सरकार ने सोचा है। सरकार आपके लिए लाई है एक विशेष सामाजिक सुरक्षा योजना, महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना। इस योजना के अंतर्गत आपके तीन जरूरतों को ध्यान में रखा जाएगा, आपके वापस आने पर पुनर्वास, बुढ़ापे में पेंशन और जीवन बीमा भी। तो ये सब सरकार हमें देगी? ये योजना सरकार की तरफ से ही है, लेकिन इसमें पैसे का योगदान आपका होगा और आपके योगदान के ऊपर सरकार भी योगदान करेगी। अच्छा मैडम जी, इस योजना के बारे में हमें थोड़ा और बताइए। इस योजना में यदि आप एक साल में 5,000 रुपए या उससे ऊपर का योगदान करते हैं तो सरकार उसमें 1,900 रुपए का योगदान करेगी। अरे वाह, पर ये पैसा मिलेगा कब? वापस आने पर आपको पुनर्वास के लिए कुछ पैसे मिलेंगे, जिससे आप अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू कर सकते हैं, अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। बाकी पैसे आपकी 60 साल की उम्र होने के बाद मासिक पेंशन के रूप में मिलेंगे। और वो जीवन बीमा? यही तो है इस योजना का तीसरा फायदा। जब तक आप विदेश में काम कर रहे हैं तब तक सरकार आपको मुफ्त जीवन बीमा प्रदान करेगी। अरे वाह, पुनर्वास, बीमा और पेंशन, फिर काहे का टेंशन। मैडम जी, जरा मेरे घर चलिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल, चलिए चलिए बैठिए। हाँ हाँ पुष्पा, मैडम जी के लिए पानी तो ला। ओ, नया टीवी अम्मा ने भेजा। लक्ष्मी मेरी बेटी, घर के हालात कुछ इस तरह से बिगड़े, उसे बाहर काम के लिए जाना पड़ा। जो ये पैसा कमाती है उसमें हमारा गुजारा हो जाता है। एक बात बताइए मैडम जी, क्या ये योजना जिसके बारे में आप बता रही थी, ये औरतों के लिए भी है? पानी पीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, ये योजना स्त्रियों के लिए भी है। हाँ? और तो और, स्त्रियों की खास आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अच्छा? सरकार हर साल ऊपर से 1,000 रुपए और देती है। अरे वाह, सच मैडम जी, फिर तो इस योजना के बारे में मैं अपनी बेटी को फोन पर खबर करती हूँ। विदेश जाने की होड़ में जो लोग अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचते थे या सोच कर भी कुछ नहीं कर पाते थे,
सरकार उनके लिए लाई है महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना। तो हमारी ये आशा है कि वो इस योजना का लाभ उठाएंगे और अपना आज, कल और पूरा जीवन सुरक्षित बनाएंगे। मैं दिव्या, कैमरा पर्सन सुभाष के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारी हेल्पलाइन या पीओई कार्यालय से संपर्क करें। अपना आज और कल सुरक्षित बनाएं और साथ देगी सरकार। प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार।